हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस हमें लेने हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस नहीं लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 29। इसमें ये पता करेंगे कि कौन से एक्सपेंसेस हम लोग को मिलने वाले हैं, कौन से एक्सपेंसेस नहीं मिलने वाले, मतलब जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कौन से एक्सपेंस माइनस होंगे, कौन से एक्सपेंस माइनस नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को देखने मिलेगी। जैसे अलाउड एक्सपेंडिचर, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हम लोग को अलाउड है, मतलब कोई भी बिजनेस करो तो उसके अंदर कौन से एक्सपेंस आप माइनस कर सकते हो, दैट इज़ मीन अलाउड एक्सपेंडिचर सेक्शन 32-37। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर मतलब वो होते हैं कि ये एक्सपेंडिचर आपने किया बिजनेस में लेकिन आपको ये माइनस करने नहीं मिलेगा। तो इनका मतलब क्या है कि जब आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैलकुलेट करोगे, अगर अलाउड एक्सपेंडिचर है तो आप उस एक्सपेंस को माइनस कर सकते हो, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है तो वो एक्सपेंस को आप माइनस नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 100 रुपये का बिजनेस इनकम कमाया, उसको कमाने के लिए आपने 40 रुपये का एक्सपेंस किया, 40 में से 20 अलाउड है एक्सपेंडिचर है और 20 डिसअलाउड है, तो आपको 100 रुपये में से सिर्फ 20 रुपये माइनस करने को मिलेगा, दैट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर आपको माइनस करने नहीं मिलेगा, आया समझ में। और तीसरा है सर्टेन डिसअलाउड एक्सपेंसेस एंड पेमेंट, वो हम लोग देखेंगे कौन से सर्टेन डिसअलाउड एक्सपेंस और पेमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलाउड एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं। सबसे पहला यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है, ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन करो एज ए एक्सपेंस माइनस करने को मिलेगा। तो कोई भी बिजनेस करेंगे तो 99% आपको वो माइनस करने मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक्सपेंस बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, अनरिलेटेड एक्सपेंस आप माइनस नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? तो देखते हैं कौन कौन से बेसिक है। 99% ये सब में माइनस होता है। पहला, रेंट रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसका रेंट आपने पे किया, उसका रिपेयर आपने किया, उसका इंश्योरेंस आपने लिया, तो रेंट रिपेयर और इंश्योरेंस ऑफ वो बिल्डिंग जो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो माइनस करने मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर यूज्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड। आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो वो खरीदा हुआ अमाउंट माइनस करने नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपने कुछ रिपेयर्स किया, उसके ऊपर आपने कुछ इंश्योरेंस किया, वो पैसा आपको माइनस करने मिलेगा। लेकिन याद रखना है, ये प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर घर पे यूज़ नहीं होना चाहिए, आपके बिजनेस में यूज़ होगा तभी आपको ये माइनस करने को मिलेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, याद रखना डेप्रिसिएशन एक ऐसा नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो हर बिजनेस में अलाउड होता है, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, लेकिन अलाउड टू ओनर ओनली। ये याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा ओनर को अलाउड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने भाड़े पे एसेट लिया तो उसका रेंट आपको अलाउड होगा बिजनेस में एज ए एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन ओनर को अलाउड होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए आप ओनर होने चाहिए एसेट के। एसेट शुड बी यूज्ड, वो यूज्ड होना चाहिए बिजनेस में। ऑल्सो कैप्ट रेडी फॉर यूज़ भी चलेगा, मतलब रेडी किया है यूज़ करने के लिए, यूज़ नहीं हो रहा है तो भी डेप्रिसिएशन अलाउड है। एग्जाम्पल के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर पता है आपको, वो आग बुझाने वाला जो रहता है हर कंपनी में आपको मिलेगा, रेड कलर का रहता है, पेट्रोल पंप्स पे भी होता है, तो वो रेडी टू यूज़ होता है, यूज़ नहीं करते, जब आग लगेगी तभी यूज़ करेंगे, तो वो भी तो एसेट है ना, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगा। तो ये जो रेट डेप्रिसिएशन होता है ये बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल पे मिलता है। तो याद रखना, दो पार्ट में डिवाइड है, एक है टेंजिबल, दूसरा इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट पे 25% डेप्रिसिएशन रेट है, और टेंजिबल में चार कैटेगरी होता है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स, ऐसा करके, तो उसमें बहुत सारे रेट्स हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ आपको सिर्फ इतना याद रखना है। नेक्स्ट है बोनस पेड, याद रखना ये बोनस जो होता है, एम्प्लॉयर ने बोला मैं आपको 1 करोड़ का बोनस दूंगा, दूंगा मतलब नहीं होता है, पे किया तभी वो बिजनेस में एक्सपेंडिचर अलाउड है, पे नहीं किया सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, डिक्लेयर किया तो वो बिजनेस में एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। तो याद रखना, बोनस एक्चुअली पेड इज अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, अगर पेड नहीं है सिर्फ डिक्लेयर किया तो अलाउड नहीं होता है। कमीशन आप दे रहे हो वो बिजनेस का खर्चा है,
फिर प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एम्प्लॉयर ने पॉलिसी लिया, उसका प्रीमियम भर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो भी आपको पूरा माइनस करने को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, याद रखना हर बिजनेस में अपने को लोन की ज़रूरत होती है, तो लोन लिया वो लोन के ऊपर आपने जितना भी इंटरेस्ट भरा वो पूरा का पूरा आपको माइनस करने मिलेगा। लेकिन याद रखना अगर आपने लोन एसेट को परचेस करने के लिए लिया, तो एसेट को परचेस करने के लिए लिया तो जिस डेट को आपने लोन लिया और जिस डेट को वो आप एसेट यूज़ कर रहे हो, वो डेट से लेके लोन के डेट से लेके एसेट यूज़ के डेट तक जितना भी इंटरेस्ट रहेगा वो अलाउड नहीं होगा। एसेट यूज़ हो गया उसके बाद का जो पीरियड रहेगा उसमें जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो माइनस करने को मिलेगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बैड डेट्स जो पैसा नहीं आने वाला है, जिसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं कि ये पैसा आएगा ही नहीं, तभी वो माइनस होगा एज ए एक्सपेंस। बैड डेट्स रिजर्व क्रिएट किया, प्रोविजन क्रिएट किया, तो वो अलाउड नहीं होता है। तो एग्ज़ाम में याद रखना अगर सिर्फ बैड डेट्स आया तो वो बिजनेस में एक्सपेंस के तौर पे माइनस करो। बैड डेट रिजर्व आया, रिजर्व फॉर आरडीडी आया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आया, तो वो बिजनेस में एक्सपेंसेस माइनस नहीं होते। कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स में ये अलाउड है, वो आपके लेवल पे नहीं है तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ ये याद रखना। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर कंपनी इनकर करता है, तो अगर इनकर किया कंपनी ने तो याद रखना ये कंपनी को ही अलाउड है और कोई फर्म वर्म को अलाउड नहीं है, सिर्फ कंपनी को अलाउड है। तो जितना भी फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हुआ उसका 1/5 लेने का और उस प्रीवियस ईयर में माइनस करने का और बैलेंस 4 साल में डिवाइड कर देने का, मतलब 100 रुपया कंपनी ने फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर के तौर पे इनकर किया तो पूरा 100 रुपया वो साल में माइनस करने नहीं मिलेगा, वो 100 रुपये का 1/5 मतलब 20 रुपया ये साल में और फिर जो भी बचा उसको 20-20 करके आप 4 साल में माइनस कर सकते हो। लास्ट वन, एनी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जो बिजनेस में यूज़ होता है, बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी है, वो सब एक्सपेंडिचर आप माइनस कर सकते हो। तो ये कुछ अलाउड एक्सपेंडिचर है, बेसिक एक्सपेंडिचर है जो आते ही आते हैं, और भी कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर होते हैं जो हर एक बिजनेस में होते हैं, वो हो तो माइनस होगा। सिर्फ ये याद रखना है कि वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होना चाहिए और बिजनेस को, बिजनेस की इनकम को कमाने के लिए हेल्प करना चाहिए। अगर बिजनेस की इनकम को कमाने के लिए वो एक्सपेंडिचर ने हेल्प किया तो वो एक्सपेंस को आप माइनस कर सकते हो, तो कोई भी हो सकता है। तो ये कुछ जनरल एक्सपेंडिचर थे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिसअलाउड एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, फिर उसके बाद देखा था कि कौन कौन सी इनकम आती है, अब हम लोग एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। अब डिसअलाउड एक्सपेंडिचर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।